हेलो फ्रेंड्स, आई एम धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं चैनल यूर एग्जाम गोली। आप सभी का आपके अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो डियर फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं क्या एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2019 का टॉप एंड उन टू टाइप्स स्टूडेंट्स के बारे में जो कि दो गलतियां कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, इन दो प्रकार की गलतियों से उन लोगों का बहुत बड़ा लॉस हो रहा है फ्रेंड्स। इस लॉस के कारण दोस्तों क्या होगा, वो घर के रहेंगे ना घाट के। जी हाँ फ्रेंड्स, इसी लॉस को ना करने देने के लिए, उन लोगों को सतर्क या सावधान करने के लिए मैं यह वीडियो लेकर आया फ्रेंड्स। मेरे पास डेली कमेंट्स आते हैं, इसलिए मेरे यह वीडियो लेकर आना पड़ा, वरना मेरा कोई विचार नहीं था। तो चलिए फ्रेंड्स, जानते हैं कि आप लोग क्या टू मिस्टेक्स कर रहे हो और कट ऑफ के बारे में। लेकिन फ्रेंड्स, आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी क्या कि यदि आप इस चैनल पे न्यू हो या नए हो तो इसको प्लीज अभी सब्सक्राइब कर लें, और आपके वीडियो के बाजू में दिख रहा होगा क्या बेल आइकन, उसको भी दबा दें, प्रेस कर दें, ताकि आने वाली हर एक वीडियो मिले आपको सबसे पहले। और हाँ जी फ्रेंड्स, वीडियो आती है पसंद तो इसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। तो चलिए फ्रेंड्स, ज्यादा टाइम ना लेते हुए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। हाँ तो डियर फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं हम आगे हैं अगली स्लाइड में। सबसे पहले बात कर लेते हैं उस टॉपिक के बारे में जिससे कि यह गलतियां उत्पन्न हो रही और आप लोग कर रहे हो। उस टॉपिक में दोस्तों नाम आता है आपके सवाल। आप लोग डेली कमेंट्स करते हो, सर मेरे मार्क्स इतने हैं, सर मेरे मार्क्स इतने हैं, क्या मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। कोई 55 का बोलता है, कोई 53 का बोलता है, कोई 52 का बोलता है, कोई 50 का बोलता है। पर डे कमेंट्स आते हैं। कोई कोई बोलता है सर मैं आपकी वीडियो डेली वॉच करता हूँ और अदर किसी की भी करता हूँ, बट आप रिप्लाई नहीं देते। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता होगा मैंने एक वीडियो आप लोगों को कट ऑफ के ऊपर प्रोवाइड करा दिया है। इसके बाद आप लोगों को दूसरी वीडियो बनाने का मेरा कोई विचार नहीं रहता। जी हाँ फ्रेंड्स, क्योंकि कट ऑफ की वीडियो सिर्फ एक बनाई जाती है ना कि 10। और यदि कोई पर्सन 10 वीडियो बना रहा है तो समझिए वो फ्रॉड है, फेंक है, मतलब उसको कोई नॉलेज नहीं है। जी हाँ फ्रेंड्स, डेली पर डे आप कट ऑफ की वीडियो बनाएंगे तो आपके कट ऑफ में कितना दम रहेगा ये आप भी जानते हैं, है ना। फिर तो वो खेल हो जाता है फ्रेंड्स। बस यही एकमात्र रीजन रहता है जिसकी वजह से मैं आपको वीडियो अलग से फिर से प्रोवाइड नहीं कराता एक के बाद दूसरी। लेकिन जब आप लोग बहुत ज्यादा कमेंट्स करते हैं तो फिर मेरे को वीडियो लेकर आना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, आप इसी बीच क्या मिस्टेक्स कर रहे हो हम वो देख लेते हैं। और दोस्तों, आप लोग ये बोलते हो कि सर रिप्लाई नहीं करते, तो यहाँ पर मैंने सभी के रिप्लाई किए हैं बाकायदा। कुछ ही स्टूडेंट्स होंगे जिनके मैं रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ, तो आप लोग प्लीज बुरा ना माने, मैं ऐसे वीडियो आप लोगों को रिप्लाई कर दिया करूंगा बना बना के, है ना। तो चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं वो मिस्टेक्स के बारे में, देन इसके बाद मैं आपको कट ऑफ फिर से बाकायदा बता दूंगा शॉर्ट में। और बाकी आप लोग कट ऑफ की वीडियो देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के आप कॉर्नर पे जाएंगे तो वहां पर आई बटन का साइन आ रहा होगा, उसको वॉच कर सकते हैं। या फिर इसी वीडियो के आप अंत तक बने रहेंगे तो आपको लास्ट में मिल जाएगा एंड स्क्रीन में, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप तीनों जगह से कहीं से भी वीडियो वॉच कर सकते हैं कट ऑफ से संबंधित। तो चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं आगे। अब डियर फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं उन दो प्रकार के छात्रों की जो की गलती कर रहे हैं फ्रेंड्स। यदि आप देखेंगे तो सबसे पहले नंबर मैंने यहाँ पे लिखा है आ, जो कम नंबर लाए हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, जो फ्रेंड्स कम नंबर लेके आए हैं वो बिग मिस्टेक्स कर रहे हैं। एंड बा, जो पहली बार इस परीक्षा में शामिल हुए हैं वो भी एक गलती कर रहे हैं। तो दोस्तों, आपने देखा होगा वो दो प्रकार के छात्र कौन हैं, एक जो कम नंबर लेके आए हैं और एक जो पहली बार इस परीक्षा में शामिल हुए हैं। अब फ्रेंड्स, ये दो प्रकार के छात्र कौन सी दो मिस्टेक्स कर रहे हैं जिनको, जिससे कि उनका बहुत बड़ा लॉस हो रहा है फ्रेंड्स, अब हम वो देख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। हाँ तो डियर फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हम आ गए हैं अगली स्लाइड में। अभी आपने जाना कि दो प्रकार के स्टूडेंट्स क्या हैं, और अब आप जान लीजिए कि दो प्रकार की गलती क्या है। अब दोस्तों, आप यहाँ पे काउंट कर सकते हैं, देख सकते हैं अपनी आंखों से क्या कि पहली गलती तो दोस्तों आप लोगों से ये हो रही है कि प्रतिदिन कट ऑफ का वीडियो देखना। जी हाँ दोस्तों, मेरे पास डेली कमेंट्स आते हैं, सर बताइए, मेरे नहीं तो वो किसी और के देखते होंगे। तो दोस्तों, आप सबसे बड़ी गलती यही कर रहे हैं कि प्रतिदिन आप कट ऑफ की वीडियो देख रहे हैं। अब बात आती है सर सेकंड गलती क्या हो रही, तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपकी जो पहली गलती है उसी के कारण आपसे दूसरी गलती भी हो रही। क्या हो रही, स्टडी में ध्यान कम। जी हाँ दोस्तों, आप पर डे वीडियो देखते हैं तो इससे आपकी स्टडी में ध्यान कम हो रहा है, आप स्टडी नहीं कर पा रहे हैं। अब फ्रेंड्स, हमने बता दिया कि आप लोगों से ये दो गलती हो रही। सबसे मेन इंपॉर्टेंट रीजन आखिरकार इन सबसे लॉस क्या हो रहा है, तो फ्रेंड्स आप लोग वो जान लीजिए जो कि मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट है लॉस। अब डियर फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हम आ गए हैं अगली स्लाइड में, और सबसे पहले बात कर लेते हैं लॉस की, कि लॉस क्या हो रहा है।
तो फ्रेंड्स आपको बता दें यहाँ पर लॉस आपका टू टाइप से हो रहा है, क्या कि दोस्तों यदि आप क्वालिफाई करते हो इस प्री एग्जाम को तो फ्रेंड्स आपका लॉस हो रहा है, और यदि आप क्वालिफाई नहीं करते हो फिर भी आपका लॉस हो रहा है। अब कैसे हो रहा है दोस्तों, वो ऐसे हो रहा है फ्रेंड्स कि आप जब पर डे वीडियो देखोगे कट ऑफ की तो दोस्तों आपका स्टडी से ध्यान कम हो रहा है और आप स्टडी पे फोकस नहीं कर रहे हो। इससे क्या हो रहा है, इससे आपका जो मेंस आने वाला है आप उसकी तैयारी बिल्कुल नहीं कर पा रहे हो फ्रेंड्स। एंड इसी प्रकार से यदि आप डिस्क्वालिफाइड हो रहे हो प्री में, तो फ्रेंड्स फिर भी आप यहाँ पे एक मिस्टेक्स कर रहे हो कि आपका जो आने वाला फिर प्री है 2020 का, आप उसकी स्टडी नहीं कर रहे हो। जी हाँ दोस्तों, आप 2020 के प्री की भी एग्जाम की स्टडी नहीं कर पा रहे हो, ना ही आप कर पा रहे हो मेंस एग्जाम की स्टडी, यदि आप पास होते हो तो, यदि आप फेल होते हो तो। यहाँ पर आपसे ये मिस्टेक्स हो रही जो कि बहुत बड़ी मिस्टेक्स है दोस्तों। करने वाले अभी से तैयारी में लग गए हैं जिनको पता है कि मैं क्वालिफाई नहीं कर पाऊंगा, वो भी दोस्तों मेंस प्री की तैयारी कर रहे हैं, और जिनको पता है मैं क्वालिफाई कर लूंगा वो मेंस की तैयारी कर रहे हैं। तो आपसे यहाँ पर जी मिस्टेक्स हो रही है। अब डिफरेंस होता क्या है, होता इसलिए है यहाँ पे मिस्टेक्स, क्या होता है मार्क्स रहते हैं बच्चों के कम, स्टूडेंट्स के कम, तो जब तक उनको उसी प्रकार के मार्क्स वाला कट ऑफ नहीं मिल जाता। फॉर एग्जांपल मेरे 50 मार्क्स है प्री में, तो दोस्तों आपको जब तक 50 मार्क्स वाला कट ऑफ नहीं मिल जाएगा तब तक आपकी आत्मा संतुष्ट नहीं होने वाली। जी हाँ फ्रेंड्स, जब तक आपको ऐसा कट ऑफ नहीं दिख जाएगा कि मेरे 50 आ रहे हैं और मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तब तक आपकी आत्मा संतुष्ट नहीं होने वाली। और दोस्तों यहाँ पर तो फर्जीवाड़ा ज्यादा चलता है, आपको पता होगा यूट्यूब है वीडियो का सागर है, यहाँ पर 80% वीडियो फर्जी होते हैं तो 20% वीडियो सत्य होते हैं, ट्रू होते हैं। तो फ्रेंड्स आप लोगों के लिए जो मैंने वीडियो प्रोवाइड करा है, यदि आपके उतने मार्क्स आ रहे हैं तो आप बाकायदा उसी वीडियो को देखें, देन डेली आप कमेंट्स ना करें कि सर इतने मार्क्स आ रहे हैं क्या मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। आपका होगा तो आप तैयारी में लग जाएं, आपका नहीं होगा तो आप बिल्कुल इसी तैयारी में लग जाएं प्री की, ताकि आपका टाइम बर्बाद ना हो। डेली आपको कट ऑफ वीडियो देखने की कोई आवश्यकता नहीं। इसी प्रकार से हमारे जो नए स्टूडेंट्स रहते हैं जिनके साथ यही प्रॉब्लम हो जाती है कट ऑफ कितना जाएगा, क्योंकि पहली बार एग्जाम में बैठे हैं तो उनको भी नॉलेज नहीं रहता, वो भी कट ऑफ पे कट ऑफ देखे जाते हैं। तो फ्रेंड्स आप सभी से ये रिक्वेस्ट रहेगी कि आप नेक्स्ट लेवल की तैयारी करें, आप उस वीडियो को देख लें। हालांकि मैं अभी को आपको यहाँ पर शॉर्ट में भी बताने वाला हूँ कि आखिरकार कितना रह सकता है कट ऑफ। तो चलिए फ्रेंड्स हम देख लेते हैं कट ऑफ का। हालांकि डियर फ्रेंड्स मैंने आप लोगों को प्रोवाइड करा है, लेकिन फिर भी आप एक बार देख लीजिए। फिर जो होना है तो वो तो फिक्स है, मेरे कहने या किसी के ना कहने से कुछ नहीं होने वाला, बट हम यहाँ पे एक अनुमान लगा सकते हैं, थोड़ा बहुत वेरिएशन आपको इसमें भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल एग्जैक्ट डाटा किसी के पास नहीं होता। जब तक डाटा नहीं रहेगा तब तक कोई 100% कट ऑफ बताने वाला हुआ ही नहीं। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे यूआर का यदि आप 65 के प्लस लाते हैं तो दोस्तों आपका सिलेक्शन बिल्कुल डन है, आप लोग तैयारी करें अभी से 65 के प्लस 66, 67, 68, 70 तक, है ना। बट आपके 65 के प्लस होना अनिवार्य है यदि आप यूआर से बिलोंग करते हैं। और इसी प्रकार से दोस्तों मैंने बताया था कि आप लोग यदि ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आपका दोस्तों यहाँ पर स्कोर करीबन 62 के प्लस होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर इतने चांस जा रहे हैं इस बार, आप लोगों का आरक्षण है इसलिए यहाँ पर, और पोस्ट इनके रीजन वाइज दोस्तों आपके यहाँ पर इतना चांस बन रहा है 62 के प्लस। इसी प्रकार से फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था यदि आप एससी से बिलोंग करते हैं तो दोस्तों आपके यहाँ पर करीबन होने चाहिए कितने 57 से लेकर 62 के समथिंग आपके मार्क्स होना अनिवार्य है, तब जाके आपका सिलेक्शन हो पाएगा किससे, एससी कैटेगरी से। इसी प्रकार से फ्रेंड्स मैंने लास्ट में बताया था कि आप लोगों के मार्क्स यदि आप एसटी से बिलोंग करते हैं तो करीबन यहाँ पर 55 से लेकर 60 के बीच होना अनिवार्य है। जी हाँ दोस्तों 55 से लेकर 60 के बीच होना अनिवार्य है। यदि आपके इतने स्कोर हैं तो दोस्तों आप बिल्कुल बेझिझक नेक्स्ट लेवल की तैयारी करें, और नहीं है स्कोर इतना तो दोस्तों अभी तो मैं बोल नहीं सकता, बट होगा तो होगा, एक दो नंबर का वेरिएशन आगे पीछे हो सकता है, वरना ये बिल्कुल कट ऑफ फिक्स ही है। फ्रेंड्स आप लोग नेक्स्ट लेवल की तैयारी नहीं कर पा रहे, कहीं आपके नंबर ऐसे आ रहे हैं कि किसी के यूआर से 40 आ रहे हैं या फिर यूआर से किसी के 55 आ रहे हैं, तो दोस्तों आप लोग बिल्कुल धोखे में ना रहें। कोई कुछ बोले कि आपका कट ऑफ 55 जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता, यूआर का कट ऑफ कभी 55 नहीं जा सकता, ना ही 40 जा सकता है। तो दोस्तों भला क्या होगा, भला होगा कि आप अभी प्री की एग्जाम की तैयारी करें, वो भी एग्जाम जल्दी हो जाएगा तो आप कम से कम इसको क्वालिफाई कर लेंगे। कहीं आप यही कट ऑफ ढूंढने में लगे रहे कि सर 55 55 55, तो आप ना नेक्स्ट की तैयारी कर पाएंगे ना जो पीछे आने वाला है उसकी तैयारी कर पाएंगे।
तो बस फ्रेंड्स यही बोलना चाहूंगा, वीडियो आई हो पसंद तो प्लीज लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। ओके, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद जय भारत।